आप सबका स्वागत है। आज हम बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर अकाउंटिंग की जरूरत क्यों है, अगर आपको इसको डिस्कस करना है या इसको समझना है, तो मेरा एक वीडियो है जिसका लिंक आपको आई बटन पर मिलेगा। आपको वहाँ पे वो वीडियो देख सकते हो, आप समझ सकते हो कि अकाउंटिंग एक बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है। सो आज हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। एक्चुअल अकाउंटिंग वर्ल्ड में हम जाएंगे और समझेंगे कि अकाउंटिंग होता क्या है। सो जब हम ये बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग सीख रहे हैं, सो फर्स्ट वी विल गो विथ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन को समझने के बाद हम थोड़ी टेक्निकलिटीज में आगे बढ़ेंगे। सो इंट्रोडक्शन देखने के पहले एक एग्जाम्पल के साथ इसको हम समझ लेंगे कि अकाउंटिंग होता क्या है। सो देखो, फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक बंदा काम कर रहा है जिसका नाम है, से फॉर एग्जाम्पल, अतुल। अतुल इज वर्किंग विथ यू, और अतुल को आपने बोला कि अतुल अपना जो सप्लायर है वहां से जाके तुझे वसूली करके आना है। और वो अपना सप्लायर है, से आप बिलोंग कर रहे हो पुणे महाराष्ट्र से, और सप्लायर उनका आपका है जो दिल्ली में है, सॉरी आपका जो कस्टमर है वो दिल्ली में है, आपको उससे पैसा कुछ वसूल करके आना है। सो अब क्या हो रहा है, अतुल को आपने ट्रैवलिंग के लिए से फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज़ का एडवांस दे दिया, और अतुल ने ये एडवांस लेके वो निकला, ट्रैवलिंग उसने स्टार्ट कर दी। तो जब वो वापस आएगा तब आप उससे कुछ तो हिसाब लोगे कि भाई जो मैंने आपको 10,000 दिए थे उसका कुछ हिसाब बताओ कि आपने किधर किधर खर्चा किया। तो अतुल क्या करेगा, वो बिल के साथ आएगा, राइट। वो बोलेगा, सर देखो ट्रैवलिंग के लिए मैंने खर्चा किया, फॉर एग्जाम्पल मान के चलते 3,000 रुपीज़, 3,000 रुपये मैंने ट्रैवलिंग में खर्चा किया, और मेरा स्टे जो था मैं होटल में रुका था, एंड मेरा जो फूड था वो सब हो गया मेरा समथिंग 2,000 रुपीज़, और अदर कुछ खर्चा था जिसका उसने आपको बिल दे दिया वो अदर था 3,000 रुपीज़, और ऐसा करके सर मेरा 8,000 रुपीज़ का खर्चा हो गया, और जो बचा वो 2,000 मैंने आपको वापस दे दिया, और इससे आपका पूरा हिसाब हो गया। अब देखो इस एग्जाम्पल को सीधे से समझते हैं कि अब हमने यहाँ पे क्या किया। हमने उनको, अतुल को जब हमने भेजा था तब हमने उसको दिए थे टोटल 10,000 रुपीज़, ओके। अब जो वापस आएगा तो अब हमने हर चीज़ का हिसाब लिया हमने उससे, और हिसाब लेने के बाद जो बैलेंस बचा वो हमने उससे वापस ले लिया, ओके। तो अब इसको थोड़ा सा अकाउंटिंग कंसेप्ट में समझते हैं। जब अतुल ट्रैवलिंग के लिए गया, फॉर एग्जाम्पल वो ट्रेन से गया होगा, या ट्रेन से मान के चलते हैं, अगर गया था ट्रेन से तो कुछ टिकट खरीदा होगा उसने, राइट। सो ही पेड सम मनी, एंड आउट ऑफ दैट पेमेंट ही गॉट सम सर्विस, यस और नो? यस। सो यहाँ पे उसने क्या किया, एक चीज दिया और कुछ सर्विस उसने लिया। सो कैन वी से ही ट्रांजैक्टेड समथिंग, उसने कुछ डीलिंग किया यहाँ पे, उसने कुछ एक्टिविटीज किए, ओके। सो दिस ट्रैवलिंग, दिस स्टे एंड फूड के लिए जो किया हुआ खर्चा है, और जो अदर के लिए जो भी उसने कुछ खर्चा किया होगा, ये सब चीज को हम कहेंगे यहाँ पे ट्रांजैक्शन। क्या कहेंगे हम इसको, ट्रांजैक्शन। सो ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है कि ट्रांजैक्शन इज नथिंग बट एन एक्टिविटी एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी। ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक फाइनेंशियल एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी में उसने कुछ दिया और कुछ लिया, और वी कैन से इट वाज एन एग्रीमेंट, ये एक एग्रीमेंट भी था। मतलब क्या किया, वो जब होटल में गया तो उसने बोला, सर मैं आपको 2,000 रुपीज दूंगा, आप मुझे रहने के लिए दोगे, आप मुझे खाने के लिए दोगे। उसने बोला ठीक है सर मैं आपको दे दूंगा। सो इसने 2,000 दिया और इसने सर्विसेस ली, सो दिस वॉज एन एग्रीमेंट। सो एक एग्रीमेंट भी था, और वी कैन से इट इज एन परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट, एक्टिविटी को उसने परफॉर्म किया, इट इज अ परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट। सो ट्रांजेक्शन किया इसने, इसका मतलब उसने कुछ एक्टिविटी किए फाइनेंशियल, कुछ एग्रीमेंट हुआ, या कुछ एक्टिव एक्ट किया, फाइनेंशियल एक्ट किया। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन, दैट ऑल, ओके। अब क्या हुआ, जो 2,000 रुपीज बचा उसके पास में, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो उसने लिया था कितना, 10,000, ओके, और खर्चा कितने किया उसने, 8,000। उसके बाद जो बचा 2,000 उसने अपने को ला के दिया। सो इट इज व्हाट अ रेसिडुअल एक्टिविटी, सबसे लास्ट जो बचा हुआ एक्टिविटी है। सो इसको हम अकाउंटिंग के लैंग्वेज में कहेंगे इवेंट। इवेंट मतलब क्या होता है कि अब बेस्ट एग्जाम्पल हो ना इवेंट का, सपोज किसी के घर पे शादी है, तो शादी में क्या होता है कि अरे शादी का शॉपिंग है, अरे शादी के लिए मंडप के लिए बुकिंग करना है, हॉल बुकिंग करना है, और 500 चीजें होती हैं। सो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, शादी के टाइम पे हर एक
ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, एक एक्टिविटी कर रहे हैं। एक एक्टिविटी है कि हमको शॉपिंग करना है, एक एक्टिविटी है कि हमको हॉल बुक करना है, एक एक्टिविटी है कि हमको कैटर फाइनल करना है। ये सब एक्टिविटी है। किसके लिए? ये सब एक्टिविटी करने के बाद आपके पास एक इवेंट होगा। मतलब पहले एक्टिविटी आएगा, उसके बाद इवेंट आएगा, और इसी एक्टिविटी को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में कहेंगे ट्रांजैक्शन। समझ में आ रहा है आपको? सो द ट्रांजैक्शन के बाद में इवेंट होगा। सो यहाँ पे भी वही होगा कि जब इसने खर्चा किया, ये 3,000, ये 2,000 और ये 3,000 रुपीज का, तो इसके बाद में यहाँ पे एक इवेंट हुआ, मतलब जो बैलेंस बचा है, 2,000 इज कॉल्ड इवेंट। सो अगर हम इसको और अच्छे से समझेंगे, अगर कि ये ट्रांजेक्शन्स और इवेंट का मतलब क्या होता है, तो थोड़ा सा मैं इसको पहले बोर्ड को साफ कर दूंगा, देन हम देखते हैं कि दूसरे के एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझ लेंगे कि एक्टिविटी और इवेंट में फर्क क्या होता है, या थोड़ा सा हम डेफिनेशन के साथ में इसको समझ लेंगे कि इसका इफेक्ट क्या होता है। सो देखो, अभी तो हमने समझ लिया कि ट्रांजेक्शन क्या होता है और एक्टिविटी क्या होता है। थोड़ा सा इसको और डिटेल में जाके देखते कि और क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम बिजनेस के टर्म्स में अगर हम देखते हैं इसको, देखते हैं कि यहाँ पे मिस्टर ई था, ई ने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए के साथ में, और जब स्टार्ट किया, इमेजिन उसका फर्नीचर ऑफिस सब रेडी था, तो वो 1 लाख में उसने क्या किया, एक कंप्यूटर परचेस किया, और जो कंप्यूटर का खर्चा था उसके लिए फॉर एग्जाम्पल 30,000 का कंप्यूटर ले लिया उसने। देन उसने कुछ गुड्स परचेस किए, मतलब ट्रेडिंग करने के लिए कुछ गुड्स परचेस किए, और ये परचेस था सबसे फॉर एग्जाम्पल 70,000 का था। अब उसके बाद पैसा खत्म हो गया, ओके, 1 लाख यहाँ पे खत्म हो गया। अब इसने क्या किया, जो 70,000 का गुड्स परचेस किया उसमें का, ये 70,000 का जो गुड्स परचेस किया, इसमें का जो 40,000 का जो गुड्स था, ये उसने बेचा 60,000 में, 60,000 में बेचा, और जो 30,000 का जो गुड्स है वो इसके पास आइडल ऐसे ही पड़ा है। सो ये जो है इसका स्टॉक बचा हुआ है, ओके। सो यहाँ पे इसने क्या किया, 60,000 में सेल कर दिया, मतलब यहाँ पे मिस्टर ए को मिला प्रॉफिट 20,000, ओके। और ये जो 30,000 बचा है ये उसके पास स्टॉक में पड़ा है। अब इसको देखते हैं टर्म ट्रांजेक्शन्स एंड एक्टिविटी के इवेंट में। अभी मैं आपको समझा के बताया तो आप पता चलेगा कि कंप्यूटर परचेस क्या है, यस ट्रांजैक्शन, एंड परचेस ऑफ स्टॉक क्या है, ट्रांजैक्शन, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ एक्टिविटी किया, हमने कुछ किया। इसको कंपेयर करो अपने शादी के इवेंट से, मैरिज इज इवेंट, बट उसके पहले जो हमने किया था शॉपिंग, उसके पहले जो हमने अरेंजमेंट किया था, दैट वाज नथिंग बट ऑल एग्रीमेंट। इस वर्ड को आप अच्छे से समझो, एग्रीमेंट, हमने सारे एग्रीमेंट किए थे। एग्रीमेंट में क्या होता है, एग्रीमेंट में हम एक चीज देने का प्रॉमिस करते हैं, उसके बदले दूसरी चीज लेने का प्रॉमिस करते हैं, ओके। मतलब हम तुमको ये देंगे और उसके बदले हम ये लेंगे, दिस इज नथिंग बट एन एग्रीमेंट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट क्या है, मैंने कंप्यूटर वाले के पास गया, मिस्टर ई कंप्यूटर वाले के पास गया, और उससे उसने बताया कि भाई मैं आपको 30,000 दे दूंगा, आप मुझे कंप्यूटर दोगे क्या? उसने बोला ठीक है। तो इसने 30,000 दिया, उसने लिया, ट्रांजेक्शन हुआ, या वी कैन से एन एग्रीमेंट हुआ, यस। उसके बाद सेम विद द सप्लायर ऑफ गुड्स, उसको जाके उसने कहा कि मैं आपको 70,000 दूंगा, आप मुझे गुड्स दोगे क्या? उसने बोला यस दे दूंगा। तो यहाँ पे भी हो गया क्या, एग्रीमेंट। और जब गुड्स आया, आने के बाद इसमें से जो 40,000 का जो गुड्स था, से फॉर एग्जाम्पल हमने इसको बेचा मिस्टर बी को, तो मिस्टर बी को भी हम बी भी हमारे पास आया होगा, या फिर हम बी के पास गए होंगे कि सर मेरे पास ये गुड्स है जो मैं आपको 60,000 में बेच सकता हूँ। बी ने बोला ओके, तो सेटल कर दिया। सो नाउ व्हाट हैपन, दिस सेल इज ऑल्सो एन ट्रांजेक्शन, ओके। ये सेल भी क्या है, ट्रांजेक्शन है। एंड अब देखते हैं, तीन ट्रांजेक्शन हो गए। द ट्रांजेक्शन इज वन, कंप्यूटर परचेस किया, दूसरा स्टॉक परचेस के गुड्स परचेस किया, तीसरा इसको हमने सेल कर दिया। अब क्या बचता है, अब बचता है अपने पास दो चीज। दो चीज क्या बचते है? एक तो बचता है अपने पास स्टॉक, एक तो स्टॉक बचा, और दूसरा अपने को हो गया प्रॉफिट, ओके। अब यहाँ पे जो बचा है इसमें कुछ एक्टिविटी हुआ, एक्टिविटी होने के बाद बचा ना, मतलब परचेस करने के बाद बचा। सो दिस स्टॉक इज नथिंग बट एन इवेंट, स्टॉक इज इवेंट, एंड द ट्रांजेक्शन द प्रॉफिट इज ऑल्सो एन इवेंट। ये ट्रांजेक्शन करने के बाद हुआ ना, स्टॉक आया कहाँ से, परचेस किया, कुछ बेचा, तब तो स्टॉक बचा। समझ में आ रही है आपको बात? सो ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, दैट इज वेरी 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 बेसिक एग्जाम्पल ऑफ दिस वन, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। अब थोड़ा सा इसको हम डेफिनेशन या फिर कुछ नोट्स के फॉर्म में देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमने ये देखा कि ट्रांजेक्शन एंड इवेंट,
अब इसको थोड़ा सा समझते कि व्हाट इज ट्रांजैक्शन, थोड़ा लिख लेंगे हम यहाँ पे कि ट्रांजैक्शन इज व्हाट, ट्रांजैक्शन इज इक्वल टू वी कैन से एन एग्रीमेंट और एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी. ओके, सो दिस इज ट्रांजैक्शन. एंड इवेंट इज व्हाट, इवेंट इज नथिंग बट इवेंट इज हैपनिंग. व्हाट इज दैट, हैपनिंग एज अ कॉन्सिक्वेंस, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन की वजह से जो हो रहा है, तो इसको मैं स्पेलिंग अच्छे से लिखता हूँ, ट्रांजैक्शन. तो ट्रांजैक्शन की वजह से जो हो रहा है इसको हम कहेंगे इवेंट. समझ में आ रही बात आपको? यस. सो दिस वाज रिगार्डिंग द बेसिक, दैट इज ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट. सो अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग ये होता है कि इसी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है इवेंट को आने के तक. मतलब अब ये जो हमने एग्जांपल देखा था जो हमने एग्जांपल देखा था, तो यहाँ पे हमने क्या किया था कि हमने पूरे एक्टिविटीज को मेंशन किए. ये जो सॉरी जो एक्टिविटीज थे, ये वाला था एक्टिविटी, ये सेल वाला एक्टिविटी था, हमने इसको रिकॉर्ड किया. इसको रिकॉर्ड करने के बाद पता चला कि हमारे पास एक कंप्यूटर है, हमारे पास कुछ स्टॉक है और हमारे पास कुछ प्रॉफिट है. तो इसको हम रिकॉर्ड करने के बाद ही पता चला कि अपने पास स्टॉक कितना है. यहाँ पे तो एक एग्जाम्पल है, इमेजिन देर आर मल्टीपल एग्जाम्पल्स एंड इवेंट्स. सो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप कैसे असर्टेन करोगे? तो उस केस में अपने को असर्टेन अकाउंटिंग करके ही करना पड़ेगा. एंड दिस इज द बेसिक थिंग वेयर द अकाउंटिंग प्ले द रोल. ओके, सो वी कैन बी से कि द एम ऑफ अकाउंटिंग इज टू गिव अ प्रॉपर डेटा, यस और नो? सो एम ऑफ अकाउंटिंग, बेटर विल राइट ओवर दैट, एम ऑफ अकाउंटिंग इज टू गिव अ प्रॉपर डेटा. एम ऑफ अकाउंटिंग, इज टू गिव अ प्रॉपर डेटा. प्रॉपर डेटा किसको, वो हम बाद में देखते हैं. ओके, सो कैन वी से, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. क्यों ऐसे बोल रहा हूं मैं, अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस क्यों? क्यों देखो, लैंग्वेज में क्या होता है, मुझे जो कहना है आपको समझ में आ रहा है. मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है? इमेजिन मैं मलयालम में बात करता रहा, तो आपको अगर शायद नहीं समझता तो आपको नहीं समझेगा. सो मुझे जो बोलना है वो अगर मैं आपको बता पा रहा हूँ, तो दिस इज अ लैंग्वेज. सो सेम केस में बिजनेस को बताना है कि भाई हमने बिजनेस करके आपको इतना प्रॉफिट मिला है, या जब बिजनेस को बताना है तो दिस इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. ओके, सो इसको आप समझ लो और ये लैंग्वेज अपने को सीखना है. सो इन शॉर्ट वी आर लर्निंग द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. ओके, सो नाउ थोड़ा सा अब हम इंट्रोडक्शन तो पार्ट हो गया, अब हम बेसिक्स इसको मीनिंग के साथ समझेंगे कि अकाउंटिंग का मीनिंग होता क्या है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग? सो अकाउंटिंग की पहले मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिख लूँ और उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग. सो देखो अकाउंटिंग, मैं इसको प्रॉपर जो साइंटिफिक डेफिनेशन है अकाउंटिंग की वही लिखूंगा यहाँ पे, और इसको बाद में हम ब्रेक करके समझेंगे. अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग. आपको सब कुछ समझ में आएगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको समझाने के लिए इधर बैठा हूँ. समराइजिंग, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग. समराइजिंग ऑफ व्हाट, द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ओके, सो व्हाट वी कैन से, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑफ अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. पहले इस पार्ट को समझेंगे फिर थोड़ा आगे जाएंगे. देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग व्हाट, वो बाद में देखते हैं. रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, हमने तीन पार्ट इसमें देखे. अकाउंटिंग क्या है, आर्ट है. सबसे पहली बात तो इट इज एन आर्ट. आर्ट में क्या होता है,
डिफरेंस देखते हैं। आर्ट और साइंस में बहुत सारी बार आपने पढ़ा होगा, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, कोई टॉपिक कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो स्टार्टिंग में आता है कि वेदर इट इज आर्ट और साइंस। सो मुझे तो समझ में आता था ये मतलब क्या होता है, ऐसे क्यों पढ़ाते हैं, बट बाद में समझ में किसी साइंस में होता है कि कोई चीज करने तो ऐसे ही करने हैं, मतलब एक ही वे है या मल्टीपल वे है, बट देर यू कैन नॉट बी क्रिएटिव। आप साइंस के केस में कैन नॉट बी क्रिएटिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर से फॉर एग्जाम्पल किसी का ब्रेन सर्जरी है और कोई डॉक्टर उसको उसका ब्रेन या उसका जो सर है वहीं से कटिंग करना पड़ेगा, वो नहीं बोलेगा अरे मैं थोड़ा क्रिएटिव करता हूँ, मैं पेट 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 काटूंगा और पेट में हाथ डाल के फिर मैं सर साफ कर दूंगा, उसका क्लियर कर दूंगा, ये नहीं होगा। यहाँ पे है कि जो चीज जैसे कही वही करना है आपको साइंस में, बट आर्ट में देर आर नो डिफाइंड वे। इसलिए जब हम मॉडर्न आर्ट देखते हैं, हमको आर्ट गैलरीज में जाते हैं, तो वहाँ पे हर एक टाइप का डिजाइन मिलेगा आपको, देर इज नॉट अ सिंगल सेम वे। तो सेम वे अकाउंटिंग में भी इट इज एन आर्ट। हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट, व्हेन यू आर सेइंग इट इज एन आर्ट तो देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ रिकॉर्डिंग, देर इज नॉट वन सिंगल वे कि आपको ऐसे ही करना है, देर आर मल्टीपल वेज ऑफ रिकॉर्डिंग एनी एक्टिविटी। ओके, सो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग। व्हाट रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग, क्या क्या करना है रिकॉर्डिंग, क्या करना है क्लासिफाइंग, क्या करना है समराइज। तो रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, यहाँ पे लिखा है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अभी हमने समझा कि व्हाट इज अ ट्रांजेक्शन। ओके, अब जो ट्रांजेक्शन विच डील्स विद द फाइनेंस, मतलब क्या, जो फाइनेंस मतलब क्या, अपनी लैंग्वेज में मनी, जो चीजें मनी से रिलेटेड है, जो चीजें मनी से रिलेटेड है, जो ट्रांजेक्शन मनी से रिलेटेड है, दीज आर कॉल्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। तो जो जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हम कर रहे हैं इन द बिजनेस, दैट ऑल वी नीड टू रिकॉर्ड इन द अकाउंटिंग। ओके, सो दैट अकाउंटिंग इज अगेन रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ओके, तो अब और थोड़ा आगे जाते हैं डेफिनेशन में, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि और आगे क्या डेफिनेशन के पार्ट बनते हैं। तो इट वॉज रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। ओके, वेयर किधर रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। देखो मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ, सो दैट आपको भी बाहर होगा, अगर आप 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो कॉमर्स वाले, तो आपको ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन सेट ऑफ बुक्स, बुक्स के सेट में रिकॉर्ड करना है। ओके, रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सेट ऑफ बुक्स इन सिस्टेमैटिक मैनर। इसको आपको सिस्टेमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करना है, एंड इंटरप्रिटिंग एंड इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। क्या है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन सेट ऑफ बुक्स इन सिस्टमेटिक मैनर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। अब थोड़ा सा इसकी फिर से ब्रेक करके इसको समझेंगे, ये डेफिनेशन को अच्छे से समझ लेंगे। रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, किधर, अब नेक्स्ट पार्ट होगा इन सेट ऑफ बुक्स, कैसे रिकॉर्ड करना है, सिस्टेमैटिक मैनर। सिस्टेमैटिक मैनर मतलब यहाँ पे क्या है कि देखो ये आर्ट है तो तुम कुछ भी तरह से कर सकते हो, बट जहाँ पे सिस्टम नहीं तो बुक्स का फायदा क्या है। रिकॉर्डिंग के लिए आपको एक वे होना चाहिए इन सिस्टेमैटिक मैनर, और क्या है, इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट्स, इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट्स। तो अब इसको देखते हैं, हमने क्या किया अभी के एग्जाम्पल में, अतुल को जब हमने 10,000 दिए तो उसने 3,000 खर्चा किया, जब उसने लाके दिखाया तो हमने उसको रिकॉर्ड किया, इसको हमने रिकॉर्ड किया इन आवर बुक्स, क्लासिफाई किया, क्या क्लासिफाई किया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, उसके बाद हमने क्या क्लासिफाई किया, होटल एक्सपेंसेस। ओके, सो हमने इसको अलग अलग हेड में क्लासिफाई किया उसके टाइप ऑफ नेचर के हिसाब से। और समराइजिंग मतलब क्या, फिर हमने इसकी समरी बनाई, आउट ऑफ 10,000 8,000 खर्चा हो गया, 2,000 बच गया। ओके, तो हमने इसकी समरी बनाई। तो दीज वॉज ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को हमने रिकॉर्ड किया, क्लासिफाई समराइज किया और अपने बुक्स में रिकॉर्ड किया। ऐसे नहीं कोई चिट्ठी पे लिखेंगे, चिट्ठी रख देंगे और 2 दिन बाद चिट्ठी गुम, सब गुम, ये भी नहीं चलेगा, राइट। तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे और अपने बुक्स में रिकॉर्ड करके रखेंगे, जो बुक्स हमारे पास प्रिजर्व रहेंगे, हमेशा क्लियर रहेंगे। ओके, सिस्टमेटिक मैनर में किया मतलब हमने इसको प्रॉपर किया, ऐसे नहीं कि कहीं पे अच्छा तू बोल रहे तो ठीक है, नहीं मुझे रिकॉर्ड दो, मुझे बिल्स ला के दो, तब जाके मैं इसको मानूंगा।
अब क्या होता है कि इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स दे रहा, ये जो है जो अकाउंटिंग करने के बाद जो रिजल्ट आया उसको अब हमको इंटरप्रेट करना है। कैसे इंटरप्रेट करना है? फॉर एग्जाम्पल अभी अतुल के केस में अगर हम देखते हैं कि अपन 3,000 जो तुमने ट्रैवलिंग के लिए खर्चा किया, वॉज इट रियली वर्थ? जो हमको पैसा लाना था दिल्ली के कस्टमर से, उसके सामने वॉज इट वर्थ? जरूरत थी क्या 3,000 खर्चा करने के ट्रैवलिंग के लिए? क्या हम फोन करके मांग सकते थे? क्या हम वहां पे किसी बंदे को बोल सकते थे दिल्ली वाले कि बाबा इस बंदे के पास जाओ, मेरा इतना इतना पैसा वसूल करना है, वसूल कर दो, उसमें क्या आपको 500 रख दो, बाकी हमको ट्रांसफर कर दो? हम कुछ कर सकते थे क्या? तो जब खर्चा होने के बाद, रिकॉर्डिंग करने के बाद हम सोच रहे हैं कि हम इस पे क्या कर सकते, कि ये वर्थ था क्या? हम इतना खर्चा जो हमने किया वो सच में जरूरी था क्या इतना, राइट? सो ये हमको देखना पड़ेगा रिकॉर्डिंग में, और यहाँ पे आपको उसके बेसिस पे हम डिसीजन ले सकते हैं। सेम वे में जब हमने ए का एग्जाम्पल देखा था, आपको याद होगा, तो वहां पे हमने 20,000 को गुड्स बेचा था मिस्टर बी को। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 20,000 जो अपने को प्रॉफिट हुआ है, कि वॉज इट रियली वर्थ प्रॉफिट? क्या हम उसको 25,000 भी कमा सकते थे? क्या हम बी को और गुड्स बेच सकते हैं? सो ये सारे डिसीजन जो मैनेजमेंट को लेने हैं, तो इन सारे डिसीजन के लिए अकाउंटिंग का यूज होता है। ओके, सो अगेन वंस अगेन विल गो थ्रू द डेफिनेशन एंड विल सी कि डेफिनेशन क्या होता है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग वॉट? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करो, क्लासीफाई करो, समराइज करो। कहाँ पे करना है? इन सेट ऑफ बुक्स, अपने बुक्स में करना है। कैसे करना है? इन सिस्टमेटिक मैनर में करना है। एंड इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट दे रहा, उस पे से जो रिजल्ट आता है उसको अपने को इंटरप्रिट करना है, उसको अपने को समझना है कि वॉट इज द रिजल्ट आउट ऑफ द अकाउंटिंग। ओके, सो अब ये किसको, ये डिसीजन कौन लेगा? इसका इंटरप्रिट करके डिसीजन कौन लेगा? तो द डिसीजन विल बी टेकन बाय द स्टेक होल्डर्स। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, स्टेक होल्डर, पे अटेंशन, कि स्टेक होल्डर्स को बेनिफिट होगा। स्टेक होल्डर मतलब क्या? स्टेक होल्डर मतलब इन जनरल सेंस, अगर आपको अपने लैंग्वेज में बता दूं कि बिजनेस से रिलेटेड हर कोई बंदे को स्टेक होल्डर करते हैं। कौन कौन हो सकता है इसमें? देखो, ओनर हो सकता है, ओके, ओनर हो सकता है, या फिर यहाँ पे कौन हो सकता है, जैसे कि अगर आप सपोज सोल प्रोप्राइटर है तो आप ओनर हो गए, अगर आपकी बड़ी कंपनी है तो आपका मैनेजमेंट भी होगा, मैनेजमेंट या फिर आपकी जो टीम है उसको, उनके लिए भी इसका बेनिफिट होगा, तो मैनेजमेंट हो सकते हैं। देन और कौन हो सकता है स्टेक होल्डर में? मैनेजमेंट हो गया, एम्प्लॉयज हो गए, ओके, एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं इसमें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान के चलो एम्प्लॉय यूनियन है, तो उनको भी अपने को हिसाब देना पड़ेगा, उनको भी अपना बेनिफिट के लिए देखना पड़ेगा। अच्छा, इतना प्रॉफिट हुआ तो हमको प्रॉफिट क्यों नहीं मिला, हमको बोनस क्यों नहीं मिला? तो एम्प्लॉयज हो सकते हैं, और कौन हो सकते हैं? अपने कस्टमर्स हो सकते हैं, क्योंकि अपने बिजनेस में उनको भी इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं जिससे गुड्स ले रहा हूँ कि वो कंटिन्यूअली मुझे सप्लाई करता रहेगा, या किसी एक वन पॉइंट ऑफ टाइम वो बैंकरप्ट हो जाएगा, ये देखने के लिए सप्लायर्स पे अपने पे ध्यान रखेंगे। ओके, कस्टमर हो सकते हैं या सप्लायर हो सकते हैं, अपने सप्लायर ये भी देखेंगे कि बाबा अब मैं इसको क्रेडिट में दे रहा हूँ, ओके, तो ये बंदा मुझे पेमेंट करेगा क्या सीधे से? तो वो सप्लायर भी हो सकते हैं यहाँ पे, राइट? तो और कौन हो सकता है? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, गवर्नमेंट। इमेजिन कि यहाँ पे, एक मिनट, इसके स्पेलिंग जो VRN, गवर्नमेंट हो सकता है। टैक्सेस तो अपने गवर्नमेंट को पे करना है, राइट? तो हमने कितना प्रॉफिट कमाया ये किसको समझेगा, और कैसे समझेगा? अपने बुक्स के बेसिस पे समझेगा। तो इसका बेनिफिट देखो, ओनर है, मैनेजमेंट है, एम्प्लॉय है, कस्टमर है, गवर्नमेंट है, कॉम्पिटिटर्स है। कॉम्पिटिटर्स में क्या होता है, किसको बेनिफिट होगा? कॉम्पिटिटर, मैं टाइप बात करते करते हमें स्पेलिंग लिखना होगा, मैं बहुत सारी बार मिस कर जाता हूँ। सो कॉम्पिटिटर भी हो सकता है, उनको भी बेनिफिट हो सकता है इन सब चीजों का। सो सी, दीज आर ऑल स्टेक होल्डर, और इस सब लोगों को अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने बनाए हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अकाउंटिंग हमने किया है, उसका यूज इनको होगा, और इसके बेसिस पे ये लोग डिसीजन ले सकते हैं। अच्छा, आप बोल रहे कि कॉम्पिटिटर क्यों आपने ऐड किया यहाँ पे, उनको क्यों देना अपने को इन्फॉर्मेशन? सो सी, उनको इन्फॉर्मेशन अपने को देना नहीं है, बट वो जो कॉम्पिटिटर है उनके रिकॉर्ड्स हमको भी चेक कर रहे हैं अपने कॉम्पिटिशन के लिए, राइट? सो ये हम सबके लिए बुक्स रिकॉर्ड है, और यहाँ पे सिंपल है, आपको ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना और इवेंट तक आना है, अकाउंटिंग खत्म। इसके ऊपर अकाउंटिंग नहीं है, मतलब जो हवा बना के रखा है कुछ लोगों ने कि हम अकाउंटिंग, फाइनेंस, नॉन फाइनेंस, और जो 50 से फलाना और धमाका चीजें यूज कर रहे हैं, तो इसका इतना कुछ नहीं, बस आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है,
इवेंट पे आना है और इवेंट के बेसिस पे आपको डिसीजंस लेना है, राइट। सो नाउ वील गो टू वन मोर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो मोस्टली कॉमनली यूज होता है, सो दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। बेसिक्स में यही सिखाते हैं जब आप 11th में हो फॉर एग्जाम्पल, तो बुक कीपिंग से स्टार्ट करते हैं। इनफैक्ट सब्जेक्ट का नाम ही है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, तो समझ में आता बुक कीपिंग कौन से बुक क्या कैसे बुक, आई डोंट नो, 10 साल से तो बुक ही देख रहे थे फर्स्ट टू 10th स्टैंडर्ड तक, अब और ये कौन सा नया बुक कीपिंग सिखा रहे हमको। तो सी बुक कीपिंग इज नथिंग बट जो बुक्स रहते हैं जिसमें हम अकाउंटिंग करते हैं। आजकल तो कंप्यूटराइज हो गया, बट पुराने जमाने अगर आप देखते थे तो वहाँ पे कुछ डे बुक होता था जहाँ पे हर दिन का एंट्री होता था, दिन कैश बुक होता था जिसमें सिर्फ कैश का रिकॉर्ड होता था, और लेजर्स होते जिसमें सिर्फ पार्टीज के रिकॉर्ड्स और लेजर्स रखते थे, तो ये बुक कीपिंग में आता था। तो अगर हम इसको देखते हैं कि सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं एक बॉक्स निकालता हूँ, अगर ये बॉक्स आपका बुक कीपिंग है, बुक कीपिंग की दुनिया है, तो इसके बाद में चालू हो जाएगा आपका अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग इससे बड़ा है, अकाउंटिंग इससे बड़ा है, और ओवरऑल जो हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी इज द सब्जेक्ट और इट इज अ टॉपिक, तो ये सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, ये सबसे बड़ा है अकाउंटेंसी। मतलब क्या, देखो कि एक तो बुक है जहां पे हम रिकॉर्डिंग करेंगे, ओके, देन उसके बाद में आएगा रिकॉर्डिंग होने के बाद में ये बुक के जो जो रिकॉर्ड हम रख रहे हैं उसके बेसिस पे हम अकाउंटिंग कर पाएंगे, और ये सब आता है एक जो सब्जेक्ट है मेन सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, इसमें आएगा। सो दिस इज अ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज नथिंग बट वॉट, रिकॉर्डिंग सम ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स, इन द आवर लेजर्स, ये जो कर रहे हैं इसको हम बुक कीपिंग बोलेंगे। सो इट इज अ वेरी नैरो मीनिंग, ओके। सो नाउ वील गो एंड सी वट आर द सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग मतलब क्या, अकाउंटिंग तो किया, अभी किस किस को बेनिफिट है, किस किस को उसका यूज है, दैट सब फील्ड वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ। सो व्हाट आर द सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन से है, तो देखो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक तो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हम फाइनेंशियल रिकॉर्ड अकाउंटिंग करेंगे, उसमें से कुछ प्रॉफिट है या लॉस है या स्टॉक बचा है, कुछ एसेट बची है, सब हम देखेंगे, असर्टेन करेंगे, एंड दैट विल बिकम एंड फाइनल डिसीजन मेकिंग सॉल्यूशन फॉर अस, ओके। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ वन सब फील्ड। देन अनदर सब फील्ड इज वॉट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब क्या है कि जो रिपोर्ट्स बनेंगे, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यहाँ पे आप देखो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो बनने के बाद जो रिपोर्ट्स बनेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद में, तो वो रिपोर्ट जाएंगे मैनेजमेंट के पास फॉर द पर्पज ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो उनको डिसीजन लेना है कि इस साल हमने कितना प्रॉफिट कमाया, कौन से प्लांट से कितना प्रॉफिट आया, कौन सा प्रोडक्ट प्रोडक्टिव है, कौन सा प्रोडक्ट लॉस मेकिंग है, किसको हमको कंटिन्यू करना है, किसको हमको डिसकंटिन्यू करना है, इस सारी चीज़ों का डिसीजन मैनेजमेंट करेगा। तो इनके पास, अगर आप बड़े कंपनी में देखते हैं, तो इनके पास आइटम वाइज प्रॉफिटेबिलिटी रहता है कि मेरे पास अगर से फॉर एग्जाम्पल मैं कैडबरी कंपनी हूँ, तो कैडबरी का एक ब्रांड है चॉकलेट्स, उसमें और बोर्नविटा और अलग अलग ड्रिंक्स वगैरह भी है, तो चॉकलेट्स में फिर से अलग अलग ब्रांड है कि डेरी मिल्क है, मिल्कफीड है, मिल्कफीड शायद नेस्ले का है, बट ऐसे उनका कोई मिल्क वाला कैडबरी का बार था, चॉकलेट बार था। देन से फॉर एग्जाम्पल एज्यूम करते हैं कि सारे प्रोडक्ट्स कैडबरी के हैं, देन से फॉर एग्जाम्पल 5 स्टार भी उनका प्रोडक्ट है, देन मंच भी उनका प्रोडक्ट है, एज्यूम करते हैं कि उसमें कुछ नेस्ले के प्रोडक्ट मैं ऐड कर रहा हूँ, तो उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी वो आइटम वाइज देखते हैं कि अच्छा इसमें का कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, अगर नहीं चल रहा है तो उसको डिसकंटिन्यू कर दो, लॉस मेकिंग है तो उसको डिसकंटिन्यू कर दो, जो मेन प्रोडक्ट है उस पर फोकस कर दो। इसलिए उनका डेरी मिल्क इज वन ऑफ द फ्लैगशिप प्रोडक्ट, और उसमें वो कंटिन्यू काम कर रहे हैं, उसमें वो कंटिन्यूस रिसर्च कर रहे हैं, फिर सिल्क ला रहे, कभी कैरामल ला रहे, और कभी कुछ और कभी कुछ ला रहे। सो मैनेजमेंट को ये डिसीजंस लेने के लिए अकाउंटिंग का बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एंड देन कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब क्या है कि जो हम कॉस्ट अकाउंटिंग, इसको लिख लेते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में होता ये कि हर एक आइटम का कॉस्टिंग निकाला जाता है। कॉस्टिंग निकाल के देखा जाता है कि इस पे कितना, किस पे कितना खर्चा करना जरूरी है, कितने किस किस पे कितना खर्चा हम कर सकते हैं, तो ये आता है कॉस्ट अकाउंटिंग में, ओके। से जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई फोन है, फॉर एग्जाम्पल आईफोन है, तो आपको क्या लगता है वो कंपनी ऐसे कोई डिसीजन लेती है कि चलो आज अभी अभी न्यूज आया कल रात में कि iPhone 12 जो है वो लॉन्च हो रहा है 5G वाला, तो उनको ऐसे लगा कि अरे चलो 12 है, 5G है, इंडिया में जाएगा तो एक काम करते 2 लाख में बेच देंगे। कोई बोलता है सर 2 लाख बहुत ज्यादा हो गए, काम करते 20,000 में बेच देंगे।
आपको लगता है डिसीजन ऐसा होगा आईफोन की कंपनी में जहाँ पे प्राइसिंग डिसाइड होता है? एब्सोल्युटली नॉट, राइट? तो कहाँ कैसे डिसाइड होता होगा? उसका पूरा कॉस्टिंग निकाला जाता है कि एक फोन बनने के लिए कितना खर्चा आता है। उसका मदरबोर्ड होगा, उस पर आईसी होंगे, उस पर और कुछ स्पीकर होंगे, उस पर बॉडी होगा, उसका डिस्प्ले होगा, सब कुछ बैठा के कितना खर्चा आया। से फॉर एग्जाम्पल एक आईफोन बनने के लिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम लिख लेंगे, एक आईफोन बनने के लिए फॉर एग्जाम्पल उनको खर्चा आया है से फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपीज। ओके, एजुम करते कि 20,000 रुपीज उनको खर्चा आया एक आईफोन बनाने के लिए। सो दैट 20,000 रुपीज का जो खर्चा है उसमें उनका स्टैंडर्ड प्रॉफिट है 10,000। एक फोन के पीछे उनको 10,000 तो कमाना ही है, अगर नहीं कमाते तो बेचना नहीं है। ओके, अब ये देखेंगे कि बेचना कितने का मार्केट में, डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क होगा या फिर प्रमोशंस होंगे, ये सब होगा। तो बनना 20,000 में, प्रॉफिट 10,000 कमाना है, उसका जो प्रमोशन करना है उसके लिए कुछ सेलिब्रिटीज बुलाओ, कुछ होर्डिंग्स लगाओ, ये सब करो। सी फॉर एग्जाम्पल वो आ रहा है 50,000 पर पीस, इट इज वेरी एग्जैगरेटेड अमाउंट, बट आप मान के चलो। तो टोटल आप कंपनी का अगर सबको को जोड़ोगे तो उनका खर्चा कितना आया एक फोन के लिए 80,000 रुपीज का, तो बेचेंगे उस फोन को 80,000 में। सो इस वे में डिसीजन होता है कि कॉस्ट कितनी आ रही, और जब 20,000 का कॉस्ट निकाला तो यहाँ पे हर एक पीस का डिसीजन होता है, हर एक पीस का। अगर हम स्पीकर इन हाउस बनाते हैं तो कितना खर्चा आएगा, अगर हम स्पीकर बाहर से ऑर्डर करते तो कितना खर्चा आएगा, अगर चाइना से ऑर्डर करते तो क्वालिटी मिलेगा क्या, या नहीं करते तो मिलेगा क्या? यूएस में बनाएंगे, इंडिया में बनाएंगे, चाइना में बेस्ट मैन्युफैक्चरर का से बनाएंगे, हर एक चीज का डिसीजन होता है फॉर वन सिंगल स्पीकर, और इसी प्रकार उसमें के 500 आइटम पे। तो वहां पे कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे बड़ा रोल प्ले होता है। सो दैट इज अ कॉस्ट अकाउंटिंग इज वन ऑफ द सब फील्ड ऑफ द अकाउंटिंग। देन उसके बाद अगर आप देखते हो कॉस्ट अकाउंटिंग के बाद में, तो यहाँ पे नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, सोशल, व्हाट वी कैन से, हाँ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। मतलब क्या है कि बहुत सारी कंपनीज सोसाइटी के लिए बेनिफिट क्रिएट करने के लिए कुछ खर्चा करते हैं, कुछ कंपनीज दिल से करते हैं, कुछ के लिए जबर गवर्नमेंट ने जबरदस्ती किया। ऐसे एक कंसेप्ट आई पिछले साल जिसको कहते हैं CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। तो CSR में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंपलसरी किया कि आपको कुछ परसेंटेज आपके जो प्रॉफिट के है वो सोसाइटी के लिए खर्चा करना है, बिल्कुल CSR। तो ये CSR का जो भी खर्चा है इसके लिए भी अकाउंटिंग की जरूरत होती है, एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट इज वॉट, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ये मैंने पहली बार सुना था, भी थोड़ा सा मुझे ऑड लगा कि ऐसे कुछ होता है क्या, बट डेफिनेटली ऐसा होता है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मतलब क्या, ह्यूमन रिसोर्स, कंपनी का ह्यूमन रिसोर्स कौन है? फॉर एग्जाम्पल आज अगर हम गूगल की बात करते हैं, गूगल के पास सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है? उनके सर्वर्स? नहीं, सर्वर्स तो मार्केट में कहीं से भी मिल जाएंगे। तो क्या है उनके सिस्टम्स? सिस्टम तो कोई भी सिस्टम इम्प्लीमेंट करने वाला जो अगर प्रोफेशनल है तो वो इम्प्लीमेंट करके देंगे। तो कौन है सबसे बड़ा गूगल के पास रिसोर्सेस है? दैट इज देयर टीम, दैट इज देयर एम्प्लॉय टीम, और सुंदर सर, सुंदर पिचाई। तो उस गूगल उनको क्यों नहीं छोड़ रहा है? क्योंकि उनको बस पता है कि यही सोर्स है जिसने गूगल को यहाँ से वहां तक लेके गया, हम इसको छोड़ना नहीं है, ये हमारे लिए करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है। कौन? सुंदर पिचाई। प्रॉपर्टी इन दैट सेंस कि ये हमारे रिसोर्स है, और रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल रिसोर्स होता है। अगर आपके पास वो रिसोर्स प्रॉपर नहीं है तो कंपनी को ऊपर से नीचे लाने में टाइम नहीं लगता है, और वही रिसोर्स प्रॉपर है तो आपको नीचे से ऊपर ले जाने में टाइम नहीं लगता। बेस्ट एग्जाम्पल जो इंडिया में आज हो रहा है दैट इज अंबानी ब्रदर्स में। अगर आप देखते हैं यहाँ पे अनिल अंबानी है और यहाँ पे आप देखते हो कि मुकेश अंबानी है, तो दोनों का भी जब डिवीजन हुआ था, जब रिस्पेक्टेड धीरू भाई अंबानी उनकी डेथ हो गई थी उसके बाद में, तो दोनों को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल कंपनीज मिले थे, ऑलमोस्ट इक्वल कंपनीज। और जितना मैंने पढ़ा उसके हिसाब से देखते तो अनिल अंबानी के पास सबसे बेस्ट कंपनी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट उस जमाने के थे, लाइक टेलीकॉम कंपनीज हैं और कुछ है, बट मुकेश अंबानी के पास उतना अच्छे नहीं थे, वी कैन से एवरेज कंपनीज थे, एवरेज कंपनीज। तो आज हम देखते हैं अनिल अंबानी टेक्निकली आज अ बिग जीरो एंड मुकेश अंबानी अ बिग हीरो आज के रेट में। सो ये जो है, ये जो बंदा है इसमें क्या कैपेबिलिटीज हैं, इसमें जो मैनेजमेंट रन कर रहा है इसमें क्या कैपेबिलिटीज हैं, दैट डिसाइड कि कंपनी कहाँ से कहाँ तक जाएगी, राइट? सो मुकेश अंबानी को एक सेंस ये था कि दिस इज ह्यूमन रिसोर्सेज और बेस्ट प्रॉपर्टी, इसको हमको संभाल के रखना है। डिसीजंस भले सब टीम लेगी,
बट इम्प्लीकेशंस उसके पूरे कंपनी पे होगा। तो दैट्स व्हाई ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल राइट नाउ। इसलिए बहुत सारी कंपनी में एक एचआर डिपार्टमेंट अलग से बनाया जाता है, लाखों करोड़ रुपए का सैलरी देके। तो अब आते बेसिक पॉइंट पे। सो दिस वॉज रिगार्डिंग बेसिक्स, वेरी बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग्स। में हम कोई टेक्निकल नहीं गए, टेक्निकल अपने जाना है तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम जाएंगे। यहाँ पे हमने क्या देखा, थोड़ा सा क्विक रिविजन करके देखते कि आज के दिन में हमने, आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा। कि बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में हमने इंट्रोडक्शन देखा। इंट्रोडक्शन में हमने ये देखा कि ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन क्या होता है, इट इज एन एग्रीमेंट और फाइनेंशियल एक्टिविटी, एग्रीमेंट और फाइनेंशियल एक्टिविटी। एंड इवेंट क्या होता है, ट्रांजेक्शन होने के बाद जो बचा दैट इज कॉल्ड इवेंट, रिसीवेबल रहता है उसको बोलते हैं। एम ऑफ अकाउंटिंग क्या है, प्रॉपर डेटा देना है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड बिजनेस लैंग्वेज, एम ऑफ अकाउंटिंग। एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग मीनिंग व्हाट, अगेन वंस अगेन पूरा रिपीट करते हैं मेरे साथ, आप भी कर लो। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन सेट ऑफ बुक्स इन सिस्टमेटिक मैनर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। दिस इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। इसको हमने डिटेल में डिस्कशन किया। इसका यूज किसको उसको है, बेसिक अकाउंटिंग का स्टेक होल्डर्स को है। हु कम्स इन द स्टेक होल्डर्स, ओनर आएंगे, मैनेजमेंट आएगा, एम्प्लॉयज आएंगे, कस्टमर आएंगे, देन सप्लायर आएंगे, आपका गवर्नमेंट आएगा, कॉम्पिटिटर्स आएंगे, सब लोग आ जाएंगे स्टेक होल्डर्स में। देन हमने ये देखा कि सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है एंड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को अब यहाँ पे हम रोकते हैं। तो ऐसे ही आपको और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए रिलेटेड टू अकाउंटिंग, और उस पे मैं वीडियो बनाऊंगा जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपको इसका बेनिफिट होगा। हैप्पी स्टडी, हैप्पी लिसनिंग। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।